तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की वीडियो में इस तरीके का एक एलईडी पैनल का ड्राइवर कैसे बनाते हैं मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो देखिए इस तरीके का जो पैनल है आपको, तो इस तरीके का जो पैनल है ना, ये 100 वाट का पैनल है। इसके ऊपर लिखा हुआ है 100 वाट और 200 एलईडी इसके अंदर लगा हुआ है। तो इसके अंदर दो एडाप्टर यूज किया जाता है क्योंकि इसका दो साइड है, देख सकते हैं इधर भी एक पिंट है और इधर भी एक पिंट है। तो इधर देखिए, और इसका जो ड्राइवर बनाऊंगा ना, बहुत ही इजीली इसको ड्राइवर को बना के दिखाऊंगा। तो देखिए इस ड्राइवर को बनने के लिए हम सबसे पहले क्या क्या चीज यूज करने वाले, तो सबसे पहले एक फैन का कैपेसिटर यूज करने वाला हूँ, जो फैन के अंदर यूज होता है। तो मैं पुराना था मेरे पास, तो इसके लिए यूज कर रहा हूँ। आपके पास नया है तो नया यूज करना आप। और एक छोटा सा कैपेसिटर चाहिए जो फिल्टर कैपेसिटर होता है। तो मैंने इसके अंदर जो कैपेसिटर है उसका वैल्यू ले लिया है 120 वोल्ट और 100 UF का। आप इसके अंदर 63 वोल्ट का भी यूज कर सकते हैं, और जो UF है वो उसको आप 300 से 400 के आसपास उसको रख सकते हैं। और इसके अंदर मैं चार डायोड यूज करने वाला हूँ, जो 6 एम्पियर का जो डायोड है ना, उस डायोड का यूज करो। तो इसको 6 एम्पियर का डायोड भी कहा जाता है। तो आइए इसको आप कैसे बनाते देखिए। सबसे पहले इस डायोड को चाहिए, तो डायोड को खोल लेंगे। और अभी देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका जो दो सिल्वर कलर का जो पट्टी है ना, उस दोनों को इस तरीके से सामने की तरफ रखने के बाद इसको मोड़ देंगे। तो वही देखिए फ्रेंड्स, इसका दोनों जो सिल्वर कलर का पट्टी था ना, उसको सामने की तरफ रखने के बाद दोनों को ही मोड़ दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, इस दोनों का और जो दो डायोड है ना, उसका जो ब्लैक पट्टी है ना, उसको भी उस तरीके से रखने के बाद मोड़ देंगे। तो मोड़ देते हैं हम, इसको भी मोड़ दिया। और अभी क्या करेंगे, इस दोनों को इस टाइप से रखेंगे, इस दोनों डायोड को, और रखने के बाद इस पिन के साथ में इधर मोड़ देंगे इस तरीके से, और इस पिन को इधर मोड़ देंगे इस तरीके से। तो इसका पिन में छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो चुका है। देखिए इसको मैंने छोटा कर दिया है, इस तरीके से मैंने जो बड़ा पिन था ना उसको काट दिया है। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे देखिए, इसके अंदर जो फिल्टर कैपेसिटर यूज करने वाले थे ना, उसको कैसे लगाएंगे। तो इसके अंदर कुछ देखने की चीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो इस साइड से आप लोग देख सकते हैं, इधर दो सिल्वर कलर का पट्टी है ना, और इधर पूरा ब्लैक कलर का पट्टी है। ये हमारा पॉजिटिव पिन है और ये हमारा नेगेटिव पिन है। और इस दोनों के अंदर ना हमारा एसी लाइन इनपुट होगा। तो इस फिल्टर जो कैपेसिटर है उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कैपेसिटर का जो पॉजिटिव जो नेगेटिव वाला साइड है ना, वो इस साइड कनेक्ट होगा, और पॉजिटिव वाला साइड इसका इस साइड कनेक्ट होगा। तो हम इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं और फिल्टर कैपेसिटर। तो आप देखिए मैं कैसे कनेक्शन करता हूँ। इसका जो कैपेसिटर था ना, उसका पिन छोटा पड़ गया था, तो इसके लिए मैंने वायर के साथ में इसका कनेक्शन कर दिया हूँ थोड़ा बड़ा करके। और दो एक्स्ट्रा वायर मैंने बाहर कर लिया हूँ, जो इसके अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव इस पैनल में आएगा ना, तो एक साथ में मोड़ के मैंने बाहर कर दिया। और अभी देखिए जो कैपेसिटर था ना, फैन का कैपेसिटर, उसका एक पिन को हम क्या करेंगे, का जो एक पिन था ना उसको हम क्या करेंगे, इससे जो डायोड है ना, डायोड के एक पिन के साथ में मैं सोल्व कर दूंगी। तो मैं इस पिन के साथ में मैं सोल्व कर देता हूँ। देखिए मैंने जैसे बोला था, एक पिन के साथ में मैंने इसको सोल्व कर दिया। और दो वायर लेंगे अब हम, तो दो मैंने वायर ले लिया है, देख सकते हैं। इस दोनों वायर को क्या करेंगे, एक कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट करूंगा जो दूसरा पॉइंट था, और एक जो डायोड का एक पॉइंट खाली है उसके साथ में लगा दूंगी। तो लगा देते हैं, मैंने कनेक्ट कर दिया है। और अभी जो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए दो वायर मैंने बाहर कर लिया था ना, उस दोनों वायर को सोल्व कर देंगे पैनल के साथ में ही। तो पैनल के साथ में मैं जल्दी जल्दी करके सोल्व कर देता हूँ। हमारा पूरा कनेक्शन हो चुका है मैंने जैसे बोला था। तो अब इसको टेस्ट करेंगे, तो दोनों पिन को ना, तो अब डायरेक्ट लाइन में देंगे हम, स्विच ऑन करते हैं। तो देखिए जल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से जल रहा है ये लाइट। तो मैं स्टूडियो का लाइट थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडियो का जो लाइट है ना, पूरा बंद है, और सिंपल से यही लाइट जल रहा है हमारा, और बहुत अच्छे तरीके से रोशनी दे रहा है, आप देख सकते हैं।
तो हमने जो ड्राइवर बनाया था ना वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए मैंने तो फिर हमने जो ड्राइवर बनाया था ना वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, देख सकते हैं। इस तरीके से इस पैनल के अंदर हम इस ड्राइवर को यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो ड्राइवर अगर ख़राब हो जाए तो कोई से भी फ्रूट लाइट जो होता है ना उसका ड्राइवर अगर ख़राब हो जाए ना, तो इस तरीके से भी आप एक ड्राइवर को बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना।